आए हुए हमारे मेयर मेरे बड़े भाई मेरे सरपंच को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की, जावेद धर्मी साहब हमारे माजी खासदार, तो कुछ महीनों पहले इलेक्शन हुआ जो गर्वी शहर से खूब अच्छा वोट मिला, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, बहुत कम वोटों से हारे, तो जो हिसाब से उन्होंने लड़ा अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी नहीं तो आगे भी उनको कहने का मौका मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट तौहीद साहब, तारिक फारूकी साहब, हाजी नुमान खान साहब, हबीब अंसारी साहब, रेहाना अंसारी जी, छगन पाटिल साहब, जावेद फारूकी, तिवारी जी, जो आज इस प्रोग्राम के जो लाडले आज हीरो है इस प्रोग्राम में, जो कांग्रेस पार्टी में जो वापसी उनकी भी है, वो पहले जो खेला उनकी सोच दो दिन बाद सेक्युलर की थी, जो हमारे बीच में आज ट्वेंटी पच्चीस अभ्यर्थी पूरब के कैंडिडेट संतोष शेट्टी साहब, भाई जब छठी में पढ़ती में होली में स्कूल में पढ़ता था तब से मैं संतोष शेट्टी दोस्ती क्लासमेट का वहाँ मैं आने जाने के लिए संतोष शेट्टी के साथ और टेबल टेनिस खेलना यह खेलना साथ कपूर आका साहब, जो पिछले महानगर पालिका इलेक्शन में टिकट ना देने की वजह से तो ये ढाई साल नाराजगी में जिन्होंने बहुत कुछ हमारे बारे में कहा, लेकिन उनके बोलने में भी कहीं ना कहीं प्यार था और वो प्यार आज चल के रखूद आए हैं, और मैं उनका बहुत कितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। हफ्तर बल्कि साहब, एडवोकेट न्यास साहब, प्रशांत राठ साहब, हरी वंसाई साहब, तुफैल फारूकी साहब, अशफाक आजमी, परवेश पीके, अहमद भाई, मुख्तार खान, अशफाक आजमी, हमारे रेहान खान, अरफात खान, राहुल चरण पाटिल, कुमार भरतरे, इमरान खान, अहमद सिद्दीकी साहब, यहाँ पे आए सभी नगर सेवक पदाधिकारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आज आप लोग सब लोग इस मीटिंग में टाइम से पहुँचने के बाद तीन घंटे से आप लोग बैठ के इस प्रोग्राम को आपने सबका सुना, वक्त दोस्तों बहुत कम है। आज 6 तारीख हो गई है, कल 7 तारीख गाँव वापस देने की तारीख है। 2-3 दिन के अंदर हम लोग मेन हेड ऑफिस की ओपनिंग करके या पश्चिम और पूरब की इलेक्शन चालू हो जाएगा। बहुत अफवाह तफरी रहेगी, लोग भी वो वार्ड से बुलाएंगे, लोग वो वार्ड से बुलाएंगे। मेरा बोलना है जो भी प्रोग्राम हो एक प्लानिंग और सिस्टमेटिक हो, जिस वार्ड में हम लोग जावे उसी वार्ड को हम पहले कवर कर लेवे, फिर बाजू वाले वार्ड पे जावे। फिर होता ये कि अंजू फाटा से फोन आता है तो दूसरा बंगालपुरा से फोन आता है, तो आप बीच में आने जाने का टाइम है वो काफ़ी खराब हो जाता है। इसलिए जो भी प्रोग्राम रखना है प्लानिंग बना के इकबाल भाई को मैंने उस चीज़ का जिम्मेदारी दी है कि आप जो भी पश्चिम की तरफ से इकबाल भाई को रखा गया है और पूरब में हम लोग एक और किसी को कोई जिम्मेदारी जो लेना चाहता हो मुझे नाम बता दीजिए तो पूरब के लिए उसको जिम्मेदारी दी जाए। मतलब तो हलीम भाई उसके लिए परफेक्ट रहेंगे, जो गट नेता है हलीम अंसारी, वो पूरब की प्लानिंग अपनी बैठ के करें किस तरीके से प्रोग्राम करना है, किस तरीके से जिम्मेदारी लेना है, किस तरीके दोनों एरिया बांट के एक प्लानिंग के तहत वो काम होना चाहिए। दोस्तों साथियों जो जज्बा महानगर पालिका इलेक्शन में दिखा, खासदार इलेक्शन में दिखा, उससे ज्यादा जोश में और उससे ज्यादा मेहनत इस इलेक्शन में हमको करना है। हम लोग खाली सोचते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, सीट निकल रही है, वो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। हमको ये समझ चल रहा है कि लड़ाई बहुत मजबूत है और कहीं ना कहीं चुकी हुई तो आने वाले 5 साल में फिर वही तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज हमारा आमदार ना होने की वजह से बस इस शहर की बहुत बड़ी समस्या है। हमको लोगों के बीच सबसे ज्यादा पहले ये बताना है कि पावर लूम के मुद्दे को, पावर लूम के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जो बुनियादी जो यहाँ से मैनचेस्टर भिवंडी शहर को कहा जाता है 50% से ज्यादा पावर लूम बिक चुके हैं, काफी पावर लूम बंद पड़े हुए हैं। चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे कोई ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, पान पट्टी वाला हो, सब पावर लूम से जुड़े हुए हैं। आज 1999 में इनकी सरकार थी, भंगार के भाव बिक गए लोग, आज उससे खराब पोजिशन हो गई है। लोगों के जेब में पैसे नहीं है, मंदी इतनी है, ये पहले सबसे पहले पब्लिक के बीच में ये मुद्दा है। टोरेंट पावर को लेकर मुद्दा है, आज उनकी सरकार उनकी दादागिरी मनमानी जो टोरेंट पावर की चल रही है वो लोगों में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ का आमदार ने कभी सेशन के अंदर टोरेंट के खिलाफ या पावर में सब्सिडी के लिए किसी चीज के लिए कभी आवाज उठाई क्या?
ये आपको सबसे पहले हाईलाइट इस चीज को करना है, ना हमारे इधर कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना हमारे इधर कोई अच्छा कॉलेज है। इससे बहुत से बुनियादी काम जो आमदार का होना चाहिए वो कोई काम इस 5 साल में कहीं दिखाई दिया नहीं। मैं समझता हूँ कि आमदार जो पश्चिम का और पूरब का दोनों आमदार दोनों वांटेड थे, 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए। अभी ये दो समझ लीजिए इलेक्शन आया है तो 15-20 दिन से लोग मैदान में आए, लोगों के बीच में जो बांटने का काम चल रहा है हिंदू मुस्लिम का वो हमको सबको समझाना होगा, सबके बीच में जाके बोलना होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफी हिंदू एरिया में घूम रहा हूँ, कुछ हमारी भी कमियां थी कि हम उनके एरिया में जाते नहीं थे। उनके दिलों में कांग्रेस है, उनके दिलों में क्या सेकुलर लोगों को पसंद करते हैं, हमको उनके बीच में जाना चाहिए। जो जो लोग जहाँ एरिया में रहते हैं जिनकी जहाँ पहचान है दोस्त है ये है, उनके बीच में जाइए, उनका दिल जीतने का काम करिए। ये मेरी आप लोग से गुजारिश है। दोस्तों साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि कल की बात आपको बताऊं, मैं कल स्कूटनी थी, MIM का फॉर्म कुछ वजह से रिजेक्ट हो गया। MIM वाले वहाँ हैरान थे कि भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ। उससे ज्यादा बीजेपी के लोग परेशान, वहाँ मेहनत कर रहे थे कि फॉर्म वापस से पास हुआ जाए। बहुत दुखी बात है, पूरी बीजेपी की टीम आ गई वो फॉर्म पास करवाने के लिए। तो ये लोगों को बताइए कि ये जो कैंडिडेट आया हुआ है MIM से रिजेक्ट होने के बाद वो अपक्ष खड़े हो रहा है। अपक्ष खड़े होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम है, और उसके बारे में बताने की मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरा शहर जानता है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो पूरी पब्लिक उसको जवाब देगी इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को। और आमदार इतना भौंकलाए हुए हैं पश्चिम के महेश चौगले कि वो कोई भी बात शांति से नहीं गुस्से में कर रहे हैं। और अगर मैं कहीं जा रहा हूँ वहां पीछे लड़के लोग को भेज रहे हैं, अगर मेरे कार्यकर्ता कोई काम कर रहा है उनको धमकियां दी जा रही है। मतलब लोग चाहते क्या, इस शहर को क्या मनाना चाहते हैं? आज हमारा शहर पूरे देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम सेक्युलर और एक एकता का सबूत जाता है हिंदू मुस्लिम का इस शहर के से, वो एकता को कायम रखना ये हमारा और कांग्रेस पार्टी का पूरी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों साथियों, आप लोग अक्सर हमारे जो यादी की जो मामला रहता है या बाबा भाई ने जो कहा कि उसके यादी के ऊपर लेके, मैं आज एक साथ नगर सेवक को रिक्वेस्ट कर रहा था कि यादी में स्टडी ज्यादा होना चाहिए, यादी को लेके ही काम ज्यादा होना चाहिए, बूथ वाइज काम होना चाहिए। वैसे काफी हमारी तैयारी माशाल्लाह है, वैसे संतोष सेक्रेटरी भी अपने हिसाब से पूरा में तैयारी बूथ वाइज करके रखे है। हम लोग को बूथ वाइज काम करना है, यादियों की स्टडी करके जो अभी बोगस वोट डालने की बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे। जो भी हमारे बूथ कमेटी के एजेंट बनेंगे वो लोग बोगस वोट रोकने का कैसा काम है वो उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। जिस तरीके नगर सेवक लोग नगर सेवक का इलेक्शन लड़े उस तरीके से वो अपना इलेक्शन समझ के ये इलेक्शन लड़े। मैं आप लोगों को बुझाई तो किसी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई धमकी आती है तो पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन करो और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई ऐसी बात आती है हम लोगों को सीधे लोगों से वोट मांग रहे, हम सीधे हैं। अगर टेढ़े पे आ जाएंगे तो हमसे बड़ा टेढ़ा भी कोई नहीं है। दोस्तों साथियों, आप लोगों को कहीं से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पे हम लोग कन्विंसिंग करने जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद वहाँ पे उनके कार्यकर्ता कन्विंसिंग करने के लिए पहुंच रहे, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और नगर सेवक कमजोर है। आपको अपने एरिया में अपने वार्ड पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो लोग आते हैं उनके पास तुमको भी पहुंचना चाहिए वहाँ कन्विंसिंग करने के लिए, कौन हमारे खिलाफ जा रहा है, कौन हमसे नाराज है। जहाँ नाराजगी जिससे दूर हो सकती है उनको बुला के आप नाराजगी दूर करवाइए, जहाँ मेरी जरूरत है मुझे बुलाइए। दोस्तों साथियों, हो सकता है पार्टी के अंदर, मैंने भी आज 8 साल संगठन में काम किया है, आज मेरा वक्त आया है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे लिए और संतोष शेट्टी साहब के लिए पूरे दिल और जान लगा दीजिए। कल ये अफसोस नहीं हो, अल्लाह लगे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिस तरीके से हम 5 साल से तकलीफ उठाए हैं वो 5 साल वापस दोहराया ना जाए। आप लोग ईस्ट और वेस्ट में पूरी दिल और जान लगा के मेहनत करिए और घरों से 21 अक्टूबर को आप लोग काम बांट लीजिए। खासकर लेडीज लोग भी अपनी परसेंटेज का ओटी का परसेंटेज कम होती है, लेडीज लोग को बाहर निकालिए, जेंट्स लोगों को बाहर निकाल के ओटी का परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से चुन के आने की हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। दोस्तों साथियों, मैं आज ज्यादा भाषण ना करते हुए शॉर्ट में कहूंगा, नगर सेवक से अपील है जो भी कमेटी आप लोग बनाए, नगर सेवकों के साथ साथ जिस वार्ड में जो हमारे संगठन के लोग रहते हैं
चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, पदाधिकारी थे उनको ज्वाइन करके उनके साथ जोड़ा जाए, तो उनका ही मान सम्मान किसी घटना नहीं चाहिए। संगठन लोगों को साथ में लेके काम होना चाहिए। और नगर साहब आप लोग प्लानिंग करिए किस वार्ड में कब दौरा करना है, किस वार्ड में किससे मिलना है, एक ही दिन आप लोग सब तैयारी करके जिस वार्ड किनसे बड़े जोर से मिलना है या एक जगह सबको मुझे बुला के रखिए, वहां मुझे जाकर लोगों से मुलाकात करें। ये मेरी सब नगर सेवकों से विनती है और यहाँ पे आप लोग सब लोग आए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत देर से आप लोग बैठे हैं कि प्रोग्राम यही कम सारे समाप्त किया जाए और मुझसे कोई गलती हुई होगी और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं और दिल भरा करके आप माफ करिए और इलेक्शन के अंदर आप लोग पूरा दिल और दिल लगा के इस समझिए आप खुद एक कैंडिडेट है। इंशाल्लाह हम संतोष सेट्टी चुन के आते हैं तो आप समझिए आमदार आप खुद रहने वाले हैं, आप लोग खुद आगे करने वाले हैं। जय हिंद जय महाराष्ट्र।